गुड मॉर्निंग साथियों, तो मैं अभी खड़ा हूँ डोलमार पर और मैं आया था काठगोदाम पर अपने दोस्त करण से मिलने के लिए। तो जैसे मुझे पता चला कि करण आया हुआ है तो मैंने कहा एक बार मुलाकात हो जाती है। तो मैं डोलमार पर खड़ा हूँ, तकरीबन 14 साल से मैं यहाँ भुट्टे खाने के लिए आ रहा हूँ, पर अब जैसे जैसे समय बीतता गया और टाइम की प्रॉब्लम होती है तो फिर आना कम हो गया। लेकिन जब से बाइक राइडिंग की तब से उसमें आ जाते हैं। कई साल पहले ये दुकान वहाँ पर हुआ करती थी, उसके बाद धीरे धीरे करके समय बदलता चला गया, दुकान डेवलप हो गई, इस तरीके से हो गई। राज राजू साहब का पूरा परिवार इस दुकान को चलाता है। 14 साल में दुकान बहुत कुछ बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो इन लोगों का हमारे प्रति व्यवहार, और आज भी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं राजू भाई और उनके घर के परिवार के सारे लोग। वो देखो, वो अंकल और आंटी है। बंदरों का आतंक हो रखा है यहाँ और हर जगह हो रखा है, इवन हमारे यहाँ भी प्लेन में इतने बंदर हो गए कि बेतहाशा। और राजू दा अभी नीचे, उनकी तबीयत ख़राब है। ये उनका भुट्टे का स्टॉल है, पीछे चाय पानी मैगी और नाश्ता ही पर ही गया। वापसी घर को निकलता हूँ, चलते हैं। राजू दा से मुलाकात नहीं हो पाई, वो नीचे ही थे, नीचे से ही हाई हेलो करा। चलता हूँ, ये मेरी इंटरसेप्टर है, आज अकेले आया हूँ। मयंक को बोला था लेकिन समय का अभाव और मयंक नहीं आ पाया, तो अब निकलते हैं यहाँ से, करण से मिलेंगे और फिर सीधे घर।